आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। आप देख रहे हैं प्राइम पब्लिक और सरकार, जिसमें हमारे संवाददाता जिले जिले, क्षेत्र क्षेत्र और विधानसभाओं में जाके बात कर रहे हैं जनता से और जान रहे हैं उनका मूड क्या है, आने वाले चुनाव में किसकी सरकार बनाना चाहती है जनता, किन चीजों से खुश है और किन चीजों से नाखुश है जनता, सभी चीजों के बारे में बात कर रहे हैं हमारे संवाददाता। तो आज किन मुद्दों पर बात हुई है और किसकी सरकार बनाना चाहती है जनता, देखिए। जी हाँ, मैं अयोध्या जिले के गोसाईगंज विधानसभा में आज पहुंचा हूँ पब्लिक, प्राइम और सरकार के खास एपिसोड में। आज मैं गोसाईगंज विधानसभा की आपको हाल दिखाता हूँ। बिल्कुल, कुछ लोग हमारे साथ में हैं, जनता है हमारे साथ में। आइए, हम इनसे जानना चाहते हैं कि 2022 चुनाव को लेकर के इनका मूड क्या है और ये किस तरीके का चुनाव जो है वो 2022 में अपना वोटिंग करेंगे और किसको क्या गद्दी किसको मिलेगी और किसको बहिष्कार करेंगे। जी चाचा, 2022 चुनाव है, इसको लेकर के आपने क्या रणनीति बना रखी है, अब की बार वोट किसको देना है? भाजपा को वोट देना है, भाजपा आएगी, योगी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। जी जी, अखिलेश ने यात्रा निकाल रखा है। जी, वो कह रहे हैं कि हम चुनाव जीत रहे हैं। अरे तो कहने से क्या मतलब भाई, अभी तो जब वोट हो जाएगा, परिणाम आएगा, तभी तो पता लगेगा जी सरकार बनेगी भाजपा की। जी, तो क्या लगता है आपको 2022 चुनाव को लेकर के क्या रणनीति? उम्मीदवार बहुत हैं, इसका एक क्रियान्वयन किया जाएगा अंतिम समय में, उसके बाद वोटिंग की जाएगी। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि कौन सरकार बनाएगा। आप किस मूड से 2022 चुनाव को वोट करेंगे? हम अच्छे विकास के पथ को देखते हुए वोटिंग करेंगे। क्या लगता है आपको 2022 किसका होगा? 2022 अब जनता के ऊपर है, अभी बहुत समय है। अभी बहुत समय है। अच्छा, बहुत समय है। जी तो बिल्कुल है, अभी बहुत समय है, इसको चुनेगी। और हमारे साथ में भी कुछ और भाई लोग हैं, आइए हम इनसे जानते हैं क्या रहेगा 2022 चुनाव का। इसमें कोई शक नहीं है, अगर विकास की बात की जाए तो माननीय अखिलेश यादव जी से ज़्यादा विकास, समाजवादी पार्टी से ज़्यादा विकास, और इस विधानसभा में माननीय गोसाईगंज से अभय सिंह जी ने जितना क्षेत्र में पिछले 15 सालों से सुख दुख में लोगों के बीच वो या उनकी धर्मपत्नी या उनके पिताजी जितना रहे हैं, उतना आज़ादी के बाद से यहाँ आज तक कोई विधायक नहीं हुआ है। और माननीय अखिलेश जी जितना काम किया उतना किसी ने नहीं किया। भाजपा वाले सिर्फ फीता काटने का काम कर रहे हैं। हमारे बीजेपी गवर्नमेंट में शौचालय मिला, आवास मिला, रसोई गैस मिली, इसको लेकर के आपका क्या कहना है? रसोई गैस ही हमारे भाजपा के मंडल अध्यक्ष इनसे पूछ लिए कितने का है, 1000 रुपये का है रसोई, खाली फ्री सिलेंडर मिलने से फ्री सिलेंडर उसको भराने के लिए देखिए कैसा शौचालय, वो शौचालय ऐसा है कि वो कब्रिस्तान से भी बढ़कर है, जाके देखिए वहाँ। 2022 चुनाव को लेकर के क्या मूड आपने बनाया है? इसमें कोई शक नहीं, आपकी समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। अच्छा, तो बिल्कुल क्या लगता है आपको 2022 चुनाव किसका होगा? अखिलेश यादव जी का होगा। अखिलेश का होगा। लहर चल रही है, अखिलेश की लहर चल रही है। जो आती थी वो खत्म हो गई है, कुछ मिलना मिलाना नहीं है। बाकी इसमें कोई शक नहीं है, अभय सिंह जी विधायक बनेंगे यहाँ से समाजवादी पार्टी के। अच्छा जी, तो सपा, भाजपा और कांग्रेस तीनों की रणनीति यहाँ तय कर रहे हैं यहाँ के वोटर्स। आइए, हमारे साथ में और लोग हैं, इनसे भी जानते हैं 2022 चुनाव है, इसको लेकर के आपका मूड क्या है, जनता का मूड क्या है, क्या लगता है कि अब की बार जो है वो सरकार किसकी आ रही है? इनकी तो सरकार जा रही तो कैंडिडेट श्योर है। अच्छा, क्योंकि झूठे वादों पर कोई भी सरकार कुछ दिन तक भी लोगों को बेवकूफ़ बना सकती है, बार बार नहीं। और रही बात किसकी सरकार आएगी, किसका मूड आएगा, फिलहाल मेरे समझ से कि तीन बसपा, सपा और भाजपा से अब जनता हमको लगता है कि ऊब चुकी है। हो सकता है कि जिस तरीके से तमाम वादे हो रहे हैं, तमाम काम कर रही हैं कांग्रेस के लोग भी, कांग्रेस की सरकार के, कांग्रेस के प्रति भी लोगों के अंदर एक रुझान पैदा हो रहा है, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि आने वाले समय में कांग्रेस ही सत्तारूढ़ हो सकती है। बीजेपी ने तो बहुत सारे काम किए हैं, जैसे
कहा गया है कि प्रधानमंत्री आवास मिल रहा है, रसोई गैस मिल रही जी, है जी, जी। शौचालय दिया है, प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत में किसानों को पैसा भी आ रहा है 2000 रुपए। जी जी। तो ये सब क्या क्या लगता है आपको कि कहीं ऐसा ऐसा तो ना हो कि 2022 फिर एक बार बीजेपी के पाले में आएगा? ये आपका पर्सनल व्यू हो सकता है, मेरा नहीं, क्योंकि इसके पहले भी निर्मल स्वच्छ योजना के अंतर्गत तमाम गाँव में बहुत आज से 25-30 साल पहले देखिए तभी भी तमाम शौचालय बनाए गए हैं, और इंदिरा आवास के नाम पर तमाम गरीबों को आवास दिया गया था कांग्रेस के गवर्नमेंट में। कांग्रेस ने क्या नहीं दिया इस देश को, RTI दिया, शिक्षा का अधिकार दिया, आप खाद्य सुरक्षा बिल के नाम पर जो आप बांट रहे हैं फ्री में, इसके पहले के गवर्नमेंट की ही देन है। और इसके पहले आप देखिए किसी इसके पूर्व के गवर्नमेंट के समय में किस राशन कार्ड पे थोड़ा सा एक नाम छप जाने की वजह से पूरा हो हल्ला मचाने वाली बीजेपी आज नमक के पैकेट तक भी अपने फोटो को छपवा के बेच दे रही है लोगों को, 5 किलो राशन देती है और 15 किलो का झोला लटका के मोदी जी और योगी जी अपना चेहरा दिखा रहे हैं, ये क्या चीज़ है बताइए आप। तो बिल्कुल साफ तौर से इनका कहना है कि बीजेपी ने जो भी काम किया है, जो भी वादे किए हैं, कि वो अपने थैले को जो छपवा करके और फोटो छपवा करके जिस तरीके कोटेदारों के यहाँ से भेजा जा रहा है जनता को, तो एक चुनाव प्रचार की उम्मीद ये जगा रहे हैं कि इस तरीके। हमारे साथ में और कुछ लोग हैं, आइए हम इनसे जानते हैं। 2022 चुनाव है, 2022 चुनाव को लेकर के आपने क्या मूड बना रखा है कि अब की बार गवर्नमेंट किसकी आएगी, आप किसको वोट दें? तो परिवर्तन चाहते हैं। परिवर्तन क्या लगता है आपको? अब लगता है महंगाई है, तमाम परेशानी है। अच्छा जी, महंगाई है, गाय बछवा हैं, सरकार बोलती ज़्यादा है करती बहुत कम है। जो भी लाभ मिलता है अरबों करोड़ों मिल रहा है, अब क्या धरातल तक आ रहा है उसको तो भाई सब लोग जान ही रहे हैं। बिल्कुल, परिवर्तन तो जरूरी है। हमारे साथ में और एक लोग हैं, क्या लगता है आपको कि 2022 चुनाव है इसको लेकर कि अब की बार सरकार किसकी बन रही है, कौन आ रहा है? सरकार तो समय बता सकती कौन किसका आ रहा भाई, क्योंकि महंगाई इतनी चरम सीमा पर है कि जिसका कोई तोड़े नहीं जी। तो आप किस मूड में वोट दे रहे हैं? अभी तो समय बताएगी किस मूड में कहाँ जी। अभी क्या लगता है आपको? अभी तो कुछ नहीं लग रहा है। अच्छा अच्छा, तो अभी समय का इंतजार है लोगों को, ये क्या यहाँ की जनता जो है वो तीनों के सपोर्ट में जा रही है। बिल्कुल, तो हमारे साथ कुछ और लोग हैं, आइए हम इनको इनसे जानते हैं कि 2022 चुनाव को लेकर के कितनी तैयारी इन्होंने की है। कुछ ग्रामीण हैं जो कि चाचा 2022 चुनाव है इसको लेकर के क्या मूड आपने बना रखा है, अब की बार सरकार किसकी बन रही है और किसको आप वोट कर रहे हैं? अब की तो वोट पड़ेगा मतलब योगी जी का, प्रधान मोदी जी का। अच्छा, क्या लगता है अब की बार सरकार किसकी बन रही है? अब की सरकार बनेगी नरेंद्र मोदी जी का। नरेंद्र मोदी जी की। अच्छा अच्छा, दादा आप बुजुर्ग हैं, कई चुनाव आपने देखा होगा और फिर 2022 चुनाव है, तो क्या लगता है अब की बार सरकार किसकी बन रही है, किसको आप जिता रहे हैं? हाँ तो भैया कुछ जानने के नहीं का बताइए। हाँ, वोट देते हैं ना। हाँ, वोट किसको देंगे अब की बार, क्या मूड आपने बना रखा है? हम सरकार कौन सी अच्छी है? हमें भाई कौनो अच्छी ना दिखाते कि भाजपा क्या कर रही है। आपको वृद्धा पेंशन मिल रही है कि नहीं मिल रही? नहीं, वृद्धा पेंशन नहीं मिल रही है। कुछ नहीं मिला। हाँ। अच्छा हाँ, जितना क्या लगता है अब की बार सरकार किसकी बन रही है? अच्छा, ये कह बने भैया। तो कुछ और हमारे साथ में हैं लोग, ये हम इनसे भी जानते हैं कि कौन जो है गोसाईगंज विधानसभा में खड़े हैं और यहाँ जानते हैं कि कौन सा अब की बार चुनाव में किसके सर ताज रहेगा और कौन यहाँ से जीत सकता है। क्या मूड लग रहा है आपको? पता नहीं क्या होगा क्या? अच्छा, अभी कुछ पता नहीं है कुछ आपको आवास वगैरह शौचालय या और तो सब मिला है। क्या लगता है अब की बार सरकार किसकी आ रही है? देखा कैसे हुआ था भाई, अब एक दो जने से काम चले ना। तो 2022 चुनाव है, आप युवा हैं जी, आपने आप वोटिंग करते हैं जी, क्या लगता है आपको 2022 किसके फेवर में रहेगा? क्या बताएं सर, पूरा मकान गिरा, कोई कुछ सुनाई नहीं है, तो इसमें वोट किसको दूं? सिर्फ इसी इठी है, वोट देना फर्ज बनता है, किसी न किसी देना है,
चाहे जो जिसको दूं। अच्छा, भलाई तो कोई सोचेगा नहीं, बुराई का महंगाई, महंगाई इतनी चरम पे। महंगाई तो अलग से है ना, छप्पर तो है ना सिर पर, तो किसके सहारा लूं? भाजपा देगा कि मोदी देगा कि कौन देगा, किसी को भरोसा नहीं है। किसी अपने कमाएगा, अपने भरोसा रखता हूँ। अच्छा जी हाँ, जी 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 जी। क्या लगता है चाचा, 2022 चुनाव को लेकर के कितनी तैयारी आपने की? हम क्या तैयारी करें, जो है सरकारें कर रही हैं। वोट देना है आपको, वोट देना है जिसको देना, हम देंगे। 2022 किसके सर पे ताज? हमारी तरफ से तो योगी हैं, योगी हैं। अच्छा, क्या लगता है भैया, 2022 में भाजपा सरकार आएगी? लेकिन मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ, मोदी जी से, कि महंगाई, डीजल हुआ, पेट्रोल हुआ, तेल जो है 200 रुपये लीटर है, महंगाई कम कर दें, सरकार उन्हीं की बनेगी। महंगाई कम कर दें तो बिल्कुल साफ तौर पे जनता का कहना है कि महंगाई कम कर दें। प्रेजेंट सरकार जो है वो महंगाई को लेकर के जिस तरीके काम कर रही है उस पर अभी जनता का कुछ ना कुछ आक्रोश बना हुआ है। तो हमारे साथ में एक चाय वाले भी हैं, दुकानदार हैं, आइए इनसे हम जानते हैं कि क्या इस महंगाई को लेकर के ये कितना खुश हैं और क्या इनका मूड रहेगा 2022 चुनाव को लेकर के। जी जी, चाय तो बेच रहे हैं। हाँ, चाय बेच रहे हैं जी। अच्छा, अब वह सोचा था हमारे है ये कुछ जगह था 56.99 पन्नी तरह है। बिल्कुल, तो 2022 चुनाव में किसके सर पे ताज होगा आपकी बार? अब की बार तो ताज तो योगी रही है, योगी ही रहे। अच्छा, आप युवा हैं, अरे वोट कर रहे हैं कि नहीं? हाँ, अभी नहीं, अभी वोट, अभी वोट नहीं है। अच्छा अच्छा, तो बिल्कुल जिस तरीके की बात की जा रही है अगर इस विधानसभा क्षेत्र की, तो महंगाई मुद्दा से लेकर के जानवरों को लेकर के और कई सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो कि जनता अभी खुल के सामने आने को तैयार नहीं है। राघवेंद्र मिश्रा, प्राइम न्यूज़, अयोध्या। 2022 विधानसभा चुनाव नज़दीक है, सभी राजनीतिक पार्टियां इस समय चुनाव प्रचार प्रसार में लगी हुई है। 5 साल का कार्यकाल, भाजपा का कार्यकाल कैसा रहा, जानने की कोशिश करेंगे। एक रिपोर्ट कार्ड, जनता की राय कि आखिर सबकी क्या राय है, लोग क्या सोचते हैं इस 5 साल के कार्यकाल में और किसके सर होगा ताज। भाई साहब, क्या नाम है? मेरा नाम अंकुर वर्मा है। 5 साल का एक कार्यकाल रहा उत्तर प्रदेश सरकार भाजपा का, उसमें आप कितना संतुष्ट हैं? ये तो हम बता नहीं सकते, लेकिन है, जितना है उतना है, अब क्या बताएं इसके आगे। क्या लगता है कि जो एक मुद्दा लेके आई थी भाजपा सरकार, उन मुद्दों पे बैठी आके, सटीक बैठी, अगली बार फिर से भाजपा को वोट करेंगे? नहीं, हमारा तो वैसे भी वोट भी नहीं है, अगर होगा समर्थन तो वैसे तो नहीं। फिलहाल तो इनका अभी वोट नहीं है, 18 साल उम्र आवश्यक है वोट के लिए। अन्य लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि 5 साल जो भाजपा की सरकार रही उससे वो कितना संतुष्ट है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? हमारा नाम है शीतल यादव। 5 साल भाजपा की सरकार रही है, तमाम मुद्दों को लेके आई थी, राम मंदिर और भी अन्य मुद्दे को लेके आई थी भाजपा सरकार, तो क्या सारी धरातल पे सच है और आप लोग भाजपा सरकार से संतुष्ट हैं? देखिए, भाजपा से तो हम ना खुश हैं। किन वजह से, क्या मुद्दे रहे? देखिए, कई सारे मुद्दे हैं, कोई एक मुद्दे नहीं रहते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से केवल वो कुछ नहीं करती, केवल वो मतलब कुछ ना कहीं, मतलब ये प्रोजेक्ट निकालते, कहीं वो प्रोजेक्ट निकालते, कहीं इसका लोग अर्पण कर रहे हैं, कहीं उसका कर रहे हैं। देखिए, कार्य करना नहीं सक्सेस होता है, कार्य दिखाना सक्सेस होता है। भारतीय जनता पार्टी ने किस सिर्फ मुंह से बोलकर पब्लिक को अपने हाथों में बस में बांधा है, एक भी कार्य पब्लिक के नहीं दिखाया, धरातल पे नहीं दिखा, धरातल पे नहीं दिखा। धरातल पे दिखाएं कि भारतीय जनता पार्टी ने काम किया, तो हम भी कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने कार्य किया है और 2022 में भारतीय जनता पार्टी आएगी। मगर हम कैसे कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने कार्य किया, भारतीय जनता पार्टी दर पे काम नहीं किया। क्या लगता है कि महंगाई बढ़ी है क्या? महंगाई इतनी है, अभी डीजल पेट्रोल की मात्रा देख लीजिए, हम लोग छात्र हैं, कोई काम वगैरह नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं पढ़ रहे हैं, ग्रेजुएशन हमारा कंप्लीट हो गया है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। महंगाई इतनी हो गई है हर चीज में, डीजल पेट्रोल के रेट देख लीजिए, गाड़ियों के रेट देख लीजिए कितने महंगे हैं। ये किसान का, किसान पैदावारी कहाँ से नहीं कर पा रहा, किसान अनाज अपना पैदा किया वो जानवरों से नहीं बचा पा रहा, जानवर से बचा ले रहा तो उसके कुंटल में क्या रेट ऐसे हैं जो नहीं ले पा रहा है। किसान जाता है मंडी, जाता है कहता क्या रेट है, कहीं 16 रुपये 15 रुपये कुंटल बिकता है, 16-15 रुपये। उससे ये किसान के दर्द से ये पूछो क्या उसकी लागत निकाल पाता है, किसान नहीं निकाल पाता है। तमाम तरीके की योगी सरकार ने जो है योजनाएं चलाई थी जो कि किसानों को लाभान्वित करे, क्या कहना है उसके बारे में? ये सब देखिए, योगी आदित्यनाथ की बात करें तो वो देखिए मुख्यमंत्री बाबा हैं, वो बाबा हैं, वो बाबा हैं तो मतलब बाबा, आप समझ गए हो, बाबा का मतलब बाबा, सन्यासी हैं वो,
वो जब सन्यासी हैं, जब ना उनकी शादी हुई ना कुछ हुए ना उनका कोई प्रोसेस है, बाबा का कहने का मतलब अन्य बाबा ले लिया लोटा चल दिए, यहाँ जनता को कोई देख नहीं रहा, ऐसे जनता को मुख्यमंत्री इससे अच्छा कौन देगा, ये ऐसे अच्छे मुख्यमंत्री लगातार लोकार्पण और शिलान्यास भी हो रहे हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? ये केवल जनता को दिखाना है कि हम कार्य कर रहे हैं, जनता को ये लगेगा कि ये नहीं हमारे लिए अच्छा कर रहे हैं। अब ये देख लीजिए, इन्होंने अभी नवम्बर तक की कहा राशन देंगे, चुनाव नवम्बर तक बताए, नवम्बर तक राशन देंगे, अब इन्होंने मार्च कर दिया, कड़वा तेल दे दे रहे हैं और वो दे दे रहे हैं, उन अनाज को खोल कर देखो उनमें चने में और गेहूं में, और देखो कि कैसे कीड़े टाइप के लग रहे हैं, सड़े टाइप के दिख रहे हैं, ये अनाज किसान को चूतिया बना रहे हैं, सोच रहे हैं कि अब तक किसान जितना भी उत्तर प्रदेश में है, किसान नौजवान महिला जितने भी है, अब तक कोई बता नहीं रहा, ये 2022 में बताएगा कि अखिलेश सरकार को वोट देंगे और 2022 में अखिलेश सरकार बनेगी, ये तैपती बाबा आबा का सफाया, 22 में 22 की लाएगी, पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। कहावत है कि मत कहो आकाश में कोहरा घना है, व्यक्तिगत आलोचना है। चलिए और जानने का प्रयास करेंगे, किस पार्टी को वोट देंगे आप? देखिए मैं समाजवादी पार्टी को वोट दूंगा, मैं आपसे कुछ नहीं तो कई सालों से मैं लगा हूँ समाजवादी पार्टी में, और समाजवादी पार्टी का जो कार्य है उसको देख के मैं किसी समाजवादी पार्टी में, मैं अखिलेश यादव को पसंद करता हूँ, मैं उनकी नीतियों को हर नौजवान हर छात्र छात्राओं को मैं पहुँचाने का कार्य करता हूँ। अभी अखिलेश सरकार में देखिए लैपटॉप देते थे कितनी, अब ये क्या दे रहे हैं, स्मार्टफोन और टेबलेट कहाँ मिला? पूरे उत्तर प्रदेश में अफवाहें हैं कि स्मार्टफोन 25 दिसंबर से मिलेंगे और कॉलेजों से जाएंगे, कॉलेजों से एक भी बच्चा नहीं जा रहा, ये ITI के कॉलेज से जा रहा है, ये क्या रूल्स है? बच्चा परेशान है, कह रहे हैं फॉर्म भी भरना है तुमको, ये भी कार्य करना है, ये सब केवल बच्चों को परेशान करना, बच्चों को बच्चा कहीं ऑनलाइन कराना, उसमें फॉर्म देना, उससे पैसे लेना, ये केवल रणनीतियां हैं। क्या कहेंगे स्थानीय निकाय के बारे में, जो स्थानीय विधायक पंकज गुप्ता जी लगातार कह रहे हैं कि नहीं हमने बड़ा विकास कराया, कितना स्कोर देना चाहेंगे? नहीं स्कोर की बात करेंगे तो स्कोर तो नहीं देंगे, कार्य क्या किया अब सदर विधायक ने, कौन सा ऐसा कार्य करें हमको, हमको कार्य दिखाएं स्थल पर, कार्य ऐसा नहीं। अब मान लीजिए कि जैसे कि रोडें सड़कें खराब हैं, सड़कें वो तब खराब होती हैं, मान लीजिए कि सांसद विधायक या DM SDM या कोई बड़ा पार्टी का नेता आता है, भारतीय जनता पार्टी, तो रातों रात वो गड्ढे मुक्त हो जाते हैं। कितना स्कोर देना चाहेंगे, 10 में कितना? अब इस बातों से आपको खुद अंदाजा लग जाता होगा कि हम किस हिसाब से इनको स्कोर देना चाहते हैं, तो स्कोर देना हमारे हिसाब से लगाया जाए कि कितना स्कोर पे आपका जो है काटा टिकेगा? हमारा स्कोर इनके शून्य, तो इन्होंने इनका साफ तौर पे कहना है स्कोर कार्ड पे तो भैया शून्य है, और वोट देंगे तो समाजवादी पार्टी को देंगे, अखिलेश भैया के सर पे ताज होगा, अन्य लोगों से भी जानने का प्रयास करेंगे। आखिर 5 साल की योगी सरकार रही, भाजपा सरकार रही, भाई कितना संतुष्ट है? भैया क्या नाम है आपका? अक्षय सिंह। भैया अक्षय सिंह, महंगाई बढ़ी है क्या? जी बिल्कुल बढ़ी है। अरे मतलब जो तेल है और जिससे गाड़ी से आप चलते हो सब मतलब ठीक है? बिल्कुल नहीं, सबसे ज्यादा इसमें दिक्कत किसानों को हो रही है और छात्रों को। मतलब मोटरसाइकिल ठीक से चल रही कि नहीं? मोटरसाइकिल तो चल के आ रही, खड़ी है बस, समझ लीजिए। अरे खड़ी हो गई मोटरसाइकिल, बिल्कुल इतना ज्यादा पेट्रोल का दाम बढ़ गया। जी जी बिल्कुल। तो क्या लगता है भैया इस बार किसकी सरकार रहेगी? सपा सरकार। और भाजपा सरकार के स्थानीय विधायक पंकज गुप्ता जी लगातार विकास की जो है पुल बांध रहे हैं, सेतु तैयार कर रहे हैं, कितना स्कोर कार्ड में नंबर देना चाहेंगे? मैं स्कोर तो कुछ नहीं दूंगा, बस इससे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि इन्होंने क्या कार्य किया वो हमें दिखाएं। अरे भैया इन्होंने भी कह दिया स्कोर कार्ड में किसी को कुछ नहीं मिलेगा, और किसको वोट जाएगा भैया? बिल्कुल सपा को जाएगा, सपा को जाएगा। भैया सपा का गढ़ जो है यहाँ मजबूत नजर आ रहा है, चलो तलाशते हैं अन्य पार्टियों को भी कि भाई उनका स्कोर कार्ड क्या कहता है। अब भाई साहब इनसे भी बात कर लेते हैं। भैया क्या नाम है आपका? शिवम सोनी। शिवम सोनी जी, आप ये बताइए कि 5 साल रही भाई भाजपा की सरकार जी, तो कुछ महंगाई बढ़ी क्या इधर कुछ? वो तो आपको ही पता होगा। नहीं आप भी, अब मैं आपसे भी जानना चाह रहा हूँ कि मतलब महंगाई तो चरम सीमा पे है। मोटरसाइकिल चल रही कि नहीं? बिल्कुल नहीं चल रही। बिल्कुल नहीं चल रही, क्या गरीब खड़ी है? बिल्कुल घर पे खड़ी है। अच्छा ये 5 साल की भाई योगी सरकार रही और तमाम तरीके की योजनाएं धरातल पे लाने की बात कही गई, कितना संतुष्ट है भैया इसमें? बिल्कुल संतुष्ट नहीं। बिल्कुल है संतुष्ट नहीं है। स्कोर कार्ड में कितने नंबर देंगे? स्कोर कार्ड बिल्कुल इनका शून्य है, शून्य माना जाए इनका स्कोर। किसके सरताज होगा ये भी बता दीजिए। अब तक 2022 में माननीय अखिलेश यादव जी। अरे भैया जो इधर एक और आ गए कहने लगे ये भी अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी को ही वोट जाएगा। चलिए अब और लोगों से भी जानने का प्रयास कर लेते हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? अखिलेश कुमार। 18 पार हो गए कि नहीं? जी सर। वोट वोट जा रहा है। हाँ। 5 साल की योगी सरकार रही, जरा खुल के बात करिए सर, इतना संतुष्ट है? एक भी बात सही नहीं है उनकी। नहीं बात नहीं, कार्यों की बात हो रही है। कार्य कोई भी उन्होंने नहीं, कार्य हुए कि नहीं? कार्य कोई भी नहीं किया उन्होंने, कोई कार्य, कोई भी भर्ती नहीं हुई।
भर्ती ही नहीं हो रही है, एज चली जाती है, लोग आधार कार्ड नया नया बनवा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि महंगाई मुक्त कर दिया, बेरोजगार जो है एकदम खत्म कर दिया है, तो मतलब क्या सही नहीं है? बेरोजगारी तो बहुत ही बढ़ गई है, बहुत बढ़ गई है, बहुत ज्यादा। किसको वोट देना चाहेंगे? सपा को। लो भैया, इन्होंने भी कहा साफ तौर पे कि समाजवादी पार्टी को ही वोट करना चाहेंगे। अब एक बार जरा नमन शीतल जी के पास फिर से वापस जा रहे हैं भैया। ये बताइए जी कि आपने कहा कि जो है महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई है ना, और तमाम किसान जो खुश नजर आ रहे हैं, जो कह रहे हैं लहलहाते खेलों में फसल आ गई, उनका क्या कह रहे हैं उस विषय में, आप क्या कहेंगे? देखिए, किसान, जैसे आपने किसान के मामले में बात किया, किसान खुश है और कुछ परेशान है, कुछ खुश है, ऐसा नहीं, हम सब कुछ मानते हैं। मगर किसान से एक बार आप, किसान से बगैर सपोर्ट के, किसी के बगैर, किसान किसी के डराव से आप उससे पूछिए उसके दिल में क्या दर्द है, वो किसान एक धरातली हकीकत जानने की जरूरत है। अब ऐसे आप हमसे पूछेंगे तो हम और कुछ बताएंगे? हमने कहा वो कार्य करा दिया, वो 5 साल में हमने उसको करा दिया, वो भी पूरा हो जाएगा, वो भी वहां से आ रहा, मगर हमको दिखाए। और एक बात हम आपसे और भी कहना चाहते हैं, हो सके तो ये आप हमारे, आप अपने चैनल पे चलाएंगे तो हमको बहुत अच्छी होगा। मैं DSN कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, कंप्लीट होने वाला है, मैं कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, वहाँ का छात्र हूँ। यहाँ पे भी कोई समस्या? यहाँ पे DSN कॉलेज में एक समस्या ये भी है, मैं ये कहना चाहता हूँ, DSN कॉलेज में जैसे स्मार्टफोन वाली योजना है, इसके मामले में आपके आदेश हो तो क्या मैं कुछ बात कह सकता हूँ? आपने चैनल में आप अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, आप बिल्कुल बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं DSN कॉलेज में हमसे कम से कम नहीं, मैं एक यहाँ टाइप का छात्र नेता टाइप का हूँ, क्योंकि मुझसे कई सारे विद्यार्थी जुड़े हैं, कई सारे छात्र हैं और छात्राएं हैं जुड़ी हैं, जिनका कोई भी कारण होता है तो एक हम अपने पास एक पर्सनल और 250 बच्चों का व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं, जिसमें से कि मैं इसलिए बनाया हूं कि वो बच्चा कहीं दूर से आता, कहीं से आता, कोई समस्या या कोई हो तो हमारे तरह उसको जानकारी पहुंचे तो उसको कष्ट ना हो। इस तरीके की समस्या, इस समस्या, ये जैसे स्मार्टफोन की योजना इन्होंने योगी आदित्यनाथ सरकार में ये चलाई गई, हम मानते हैं अच्छी बात इन्होंने चलाई, हम नहीं कह रहे हैं, ये केवल एक जनता बनाना, बच्चा बनाना और कुछ नहीं। अब योगी सरकार ने जैसे स्मार्टफोन की योजना चला दी, अब हमारे यहाँ अभी तक की परसों की न्यूज ये थी कि हमारे कॉलेज से थर्ड ईयर बच्चों का 200 लिस्ट बनकर जाएगी, थर्ड ईयर बच्चे BA BSc भी काम में, थर्ड ईयर यूरो के जाएंगे बच्चे। आज हमें सुबह ये पता चलता है कि अब ITI के 19 से 4 कॉलेजों से 200 बच्चे ले लिए गए। अच्छा, 200 बच्चे जब कॉलेज से ले लिए गए तो हमारे DSN कॉलेज से एक भी बच्चा नहीं लिया गया, पहले तो ये अफवाह थी कि लिए जा रहे हैं, अब कोई नहीं लिए जा रहे हैं। और जितना भी बच्चा है हमारे, कॉल आप फोन को दिखा दो, हमारे पास सुबह से कुछ नहीं तो 50-60 बच्चों का फोन आ चुका है। अब भैया, जैसा कि इन्होंने बताया कि अब जो स्मार्टफोन बांटने की बात थी, वो योजना कहीं ना कहीं इस कॉलेज तक नहीं पहुंच पाई, यहाँ के छात्र लाभान्वित नहीं हो पाए, तो कहीं ना कहीं आपकी बात को इस तरीके चैनल के माध्यम से पहुँचाने का हमारा प्रयास रहेगा। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो आप, ये एक समस्या है छात्रों की भी कि कहीं ना कहीं स्मार्टफोन जो है वो छात्रों को नहीं मिल पाए। मैं चैतन्य त्रिपाठी, Prime TV उन्नाव। तो आपने जाना कि जनता का क्या है चुनावी मूड। कुछ लोग तो सरकार के काम से काफी खुश नजर आ रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग चाहते हैं परिवर्तन। तो आखिर परिवर्तन होगा 2022 में या फिर सत्ता फिर से दोहराई जाएगी, ये वक्त बताएगा। लेकिन अभी जनता की क्या राय है ये जानने के लिए देखते रहिए प्राइम पब्लिक और सरकार। आप देख रहे हैं Prime TV, सच साहस सरोकार।